गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका एक और फ्रेश कमाल के व्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहे हैं करीब दोपहर के 12:30 और मैं सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। बस उठा तुरंत, अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, तुरंत आटा मारा और आटा मारने के बाद में अब पराठा बनाना है और पराठा चाय फिर से, क्योंकि आज फिर से मैं सही से मतलब तुरंत आटा मारा है। शाम का मारा हुआ आटा नहीं है, क्योंकि कल जो दुर्घटना हुई उसने पूरा दिमाग का दही कर दिया। पूरे एक घंटे की मेहनत मेरी बर्बाद हुई। दोबारा फिर से खाना बनाना पड़ा, तो ये काम दोबारा ना हो इसलिए मैंने खास प्रिकॉशन बरता कि आटा तैयार है और उधर चाय तैयार हो रही है। तो बस फटाफट पराठा बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो जैसे सामान पड़ी हुई, भैया अभी भी सो रहे हैं तो अभी जगाने का कोई हुआ नहीं है, क्योंकि चाय और पराठा बना लें फिर भैया को जगाएं तो ज़्यादा बेटर है। रोशनी बहुत तेज़ है, अभी तो आँखों में एकदम चुभ सी रही है। कोई नहीं, सह लेंगे, थोड़ी सी तकलीफ है। तो मौसम फ़िलहाल बहुत ही शानदार हो रहा है, थोड़ी सी बारिश नहीं हुई है दो दिन से, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेंट है इस बात से कि बारिश नहीं हुई है। बट होपफुली आजकल में बारिश हो तो मौसम अच्छा हो जाए, कि हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, क्योंकि मुझे पेड़ों को पौधों को पानी नहीं देना है, क्योंकि बारिश हो जाए तो एक काम से छुटकारा मिले, तो इसी का इंतज़ार हो रहा है। गला थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है, क्योंकि बोलने में वो फील नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, पर कोई नहीं। आरो भी गड़बड़ कर रहा है, जो भी है सब गड़बड़ चल रहा है मामला, लेकिन फिर भी मज़े चल रहे हैं ज़िंदगी के। तो अभी देखते हैं, पहले पराठा बनाते हैं फिर दूध ला के चाय बना। भैया उठो, चाय तैयार, पराठा तैयार, दूध ले आए हैं, बस आओ, वेट कर रहा है। ठीक है, वेट कर रहा है तुम्हारा। तो चाय में डाल दिया ये 5 वाला दूध, इतने में हो जाता है खैर काम मेरा, तो ज़्यादा क्यों लाने का, खर्चा नहीं बढ़ाने का। और ये हो गया, पराठा बन गया, ये बन गया और मेरा आज का खाना तैयार है। बस चाय खोल जाए, दैट्स इट। मौसम कतई लाजवाब हो रहा है आज, और मैं भी पानी बरसेगा, देखते हैं पानी बरसता है कि नहीं बरसता है। तो बरसने लगा है, जैसा कि मैंने कहा था कि आज पानी बरसना चाहिए, तो पानी बरसने लगा है और काफ़ी तेज़ी से पानी गिर रहा है, एकदम लाजवाब मौसम हो रखा है। यहाँ तक पानी की बूंदें मतलब आधे वहाँ तक आ रही हैं, पर कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा बत्ती गई है चली, और ये बत्ती भी ना दो बूंद के पानी से भग जाती है। खैर अभी देखो बादल किस टाइप से थे, सिंगल कलर हो गया है और ना बादल उड़ रहे हैं ना कुछ है, पर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अभी देख रहे थे मूवी, चलो अपनी मूवी कंटिन्यू करते हैं, बारिश तो होती ही रहेगी और अपना काम नहीं रुकना चाहिए, जो काम के लिए हम हैं। और खुल जा सिमसिम, ये खुल गया और हम अपनी देखते हैं मूवी। जो कि मैं मूवी देख रहा था, पानी आ गया था, तो थोड़ा सा मैं आगे चला गया करीब करीब। चलो मैं देखता हूँ, शायद आप लोगों को भी सुनाई पड़ जाए। मालिक पूरा दिन फ़ोन चला, कैसा लगता है? तुम तो ऐसे चलाते नहीं हो है? हम तो नहीं चलाता हूँ, मैं लैपटॉप चलाता हूँ। तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। हाँ तो जाओ फिर, अभी पानी बरस रहा, अभी फिर आएगा तो फिर पहुँचेंगे। पानी बरस जाने दो तब फिर करेंगे। अरे हमारे भी प्रेस करने है, हमारे भी प्रेस करने है।
मेरी घर पे सब्जियां आई हैं, टमाटर है, फूल भी दिक्कत नहीं, बैंगन, मिर्चा और धनिया। ये सब्जी आई है करीब 10 दिन के बाद, अब तक रोज़ सूखा फूखा चल रहा था तो आज चलो अच्छा है सब्जी। फिलहाल अभी बना रहे हैं और मेरी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार की तैयारी हो गई है। ठीक है, वरना रसा बचेगा नहीं तो इसको कर देते हैं बंद। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग, धनिया काफ़ी कम रेट होगा तो थोड़ी ज़्यादा है, पर कोई नहीं, थोड़ा सा लेंगे थोड़ा। और ये बन गई है मेरी सब्जी, सब्जी हो गई तैयार, अच्छी लग रही है। और आटा भी है तो बनाते हैं रोटी और खाते हैं खाना। रोटी बन गई है, सब्जी तो पहले बन गई थी। मालिक हमारे खा रहे हैं, कैसी लगी मालिक? एक नंबर, चलो अच्छा है, मालिक को मजा आ गया। मालिक हमारे भूख लगी थी तो मालिक सूखी सब्जी खा रहे हैं, तो बस एक रोटी और बची है, फिर उसके बाद मैं भी खाना खाता हूँ। भूख रुक नहीं रही है, जल्दी सामान उठा देते हैं तब तक और फिर खाना खाते हैं। अभी बज रहा है रात के 12 और क्या हुआ कुछ नहीं, तो आज के ब्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। और अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, अभी तो नींद लगी नहीं है, लेकिन ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वगैरह वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, शायद मे भी कोई और भी देख ले जिसको भी अच्छी लगे। तो जा रहे हैं, थोड़ी देर मज़े मस्ती करते हैं और भैया अपने फ़ोन में बिजी हैं और हम भी फ़ोन चलाते हैं। चलो फिर एंड करते हैं ब्लॉग का आज का।